भगोड़ा धना जी अकेला नहीं भागा दोस्तों, अपने साथ माले राव को भी ले गया, देवी अहिल्या के जान के टुकड़े को। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हमेशा मौके पे भाग जाने वाले धनाजी सरदार, बाद में नजर नहीं आने वाले धनाजी सरदार इस बार गहरी चोट छोड़ने वाले हैं देवी अहिल्या के दिल पे। मालेराव जो बेहोश हैं और हरकुबाई साहिब ने मौके पे आके मालेराव को बचा लिया और धनाजी सरदार को भागना पड़ा, मगर वो भागे जरूर, भागे किस लिए? और मदद लेने के लिए। और वहां पहुंच के उन्होंने हरकुबाई साहिब के प्लान को फेल कर दिया। हरकुबाई साहिब को तो फेल कर पाए, मगर आगे जिन्होंने धनाजी सरदार को घेरा है उनको कैसे फेल करेंगे? तो क्या मालेराव बच जाएंगे? चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मालेराव की किडनैपिंग की जो साजिश रची गई थी ईश्वरी सिंह के साथ मिलके, उसकी तो धज्जियां उड़ाई हरकुबाई साहिब ने, मौके पे पहुंच गई और धनाजी सरदार वहां से निकले। मगर अब हम नए प्रोमो में देख रहे हैं कि धनाजी सरदार एक बैलगाड़ी में जा रहे हैं और बैलगाड़ी को तुकुजी रोक देते हैं। तुकुजी के रोकने की वजह उनकी अपनी है कि उनके घोड़े को भूख लगी है और कुछ चारा चाहिए। मगर अंदर बैठे धनाजी सरदार बाहर तुकुजी को देखते हैं पर्दे के पीछे से और उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं कि पहले हरकुबाई साहिब आ गई थी रोड़ा बन के, अब ये तुकुजी कहां से आ गए। तो तुकुजी को देखने के बाद वो सोच में पड़ जाते कि अब करूं तो करूं क्या। तो अगर हम यहां तक देखते हैं तो लगता है कि ये तो धनाजी सरदार अपनी जान बचा रहे हैं, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पे धनाजी सरदार के साथ वहीं पे मालेराव बेहोश पड़े हैं और उनके ऊपर उन्होंने घास डाली हुई है और वही घास तुकुजी को चाहिए। अब ये सस्पेंस तो एपिसोड देखने के बाद ही खुलेगा कि तुकुजी को क्या पता है कि इसमें मालेराव को लेके जा रहे हैं, या फिर बाय चांस जैसे हरकुबाई साहिब पहुंची थी वैसे तुकुजी पहुंच गए हैं। तो तुकुजी घास मांगते हैं और घास लेने के लिए पीछे बैलगाड़ी में जाते हैं। आगे बैलगाड़ी के ईश्वरी सिंह का आदमी ही बैठा हुआ है जो खुद परेशान हो गया कि अब इस मुसीबत का सामना कैसे करे। तो यहां पे धनाजी सरदार की ओवर एक्टिंग दिखाई देती है, जोर जोर से खांसते हैं जैसे बहुत ही बीमार हों, और तुकुजी कहते हैं कि बाबा आप बहुत तबीयत खराब लग रही है, आप अपना इलाज करवाइए। और धनाजी सरदार कहते हैं हाँ हाँ ले लीजिए, ऊपर ऊपर की घास ले लीजिए और मैं भी अपना इलाज करवाऊंगा। अब वहां पे हम लोग देखते हैं कि तुकुजी घास उठा रहे हैं और उसी घास में नीचे मालेराव है। अब यहां एक बात तो पक्की है कि जो धनाजी सरदार है अपनी साजिश में कामयाब तो नहीं होंगे, और यहां पे तुकुजी के साथ क्या देवी अहिल्या भी घेरेंगी धनाजी सरदार को और बचाएंगी मालेराव को, या फिर तुकुजी भी जाने देंगे और फिर आगे तीसरे पड़ाव में देवी अहिल्या को मिलेंगे धनाजी सरदार? क्योंकि हिस्ट्री की अगर माने तो मालेराव का अपहरण हुआ ही नहीं था। देखते हैं ये किस तरह से दिखाते हैं, मगर अभी तक तो धनाजी सरदार अपने साथ मालेराव को लेके भागे हुए हैं। दोस्तों क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।